देश दुनिया में पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन में जो समाज सबसे बड़ा योगदान देता है वो आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज में प्रकृति की पूजा भी होती है, प्रकृति की उपासना भी होती है और प्रकृति के नाम पर ही उनका जीवन यापन से लेकर उनके गोत्र भी होते हैं। आज धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो यहां आने का काम किए और लगभग 35 से 40 मिनट कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण भी किए, लेकिन उनके शब्दों में आदिवासी तो था लेकिन आदिवासी की संस्कृति नहीं थी। उन्होंने आदिवासियों के देश के प्रति समर्पण की बात तो कही लेकिन उनकी पहचान को छुपा गए। केंद्रीय जनजातीय विषयक मंत्री जो इसी राज्य से हैं, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम 36,000 आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत कवर कर रहे हैं। मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि यदि आदि आदर्श ग्राम होगा तो जो आदि धर्म है इस धरती का वो सरना धर्म भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से क्यों नहीं निकला, जबकि राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस पर बिल पारित किया था, कानून बनाया था और आपके प्रदेश के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी, वाम दल, राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात को रखने का काम किया था। सबका यह डिमांड था। तो आज आप सरना धर्म कोड को कैसे भूल गए? पूरे रैली में यदि आप देखिएगा आदिवासी शब्द का इस्तेमाल हुआ लेकिन वहां पर तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भाषण देने का काम किया। किसी ने भी जो यहां का जो मूल अभिवादन है जोहार तक नहीं कहा। आज का उनका रैली विश्वास रैली नहीं था, आदिवासियों के साथ किए गए विश्वासघात रैली था। यही बाबूलाल जी रघुवर जी के समय पर सीएनटी एस्पेक्टिक के खिलाफ जब छेड़छाड़ हुई तो जो आंदोलन चला उसमें शामिल थे, आज उन बढ़ाई करते दिखे। अरे गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं पलटता है जितना आज हम लोगों ने देखा बाबूलाल जी को पलटते। हेमंत सोरेन की जमीन कहां है?
बाबूलाल जी, आपका भी जमीन का डिटेल्स हम लोग देना शुरू करें क्या? अब इस स्तर पर आप लोग उतर आए हैं क्या? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।